गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं स्टेटस के बारे में। तो गाइस जब भी आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कहीं भी आप स्टोरी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते तो गाइस आपके खुद का फ़ोटो या वीडियो का स्टेटस नहीं बनाने जानते। तो गाइस मैं आज की इस वीडियो में फुल ट्यूटोरियल यानी कि आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपना फ़ोटो का या वीडियो का स्टेटस बना सकते हो गाइस और अपनी मनपसंद से क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस उसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी है काइंड मास्टर। तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है गाइस। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली आपको क्या करना है, यह ओपन करना है। और गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन के या प्ले स्टोर से आप ओपन कर लोगे इसे यानी इंस्टॉल कर लोगे। तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है तो 9:16 के रेशियो में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो 9:16 के रेशियो में आप इसे सिलेक्ट कर लोगे यानी बीच वाले ऑप्शन को प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 9:16 के रेशियो को आप इसमें सिलेक्ट करोगे। और गाइस स्टेप बाई स्टेप से चलेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो गाइस उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो गाइस अब देख सकते हो मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में गया और गैलरी में यहाँ पे मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया गाइस। तो आपको नहीं पता होगा गाइस मैंने ये फ़ोटो कहाँ से सिलेक्ट किया और कहाँ से नहीं किया। तो गाइस चलो मैं एरो के निशान से आपको बताता हूँ कि आपको फ़ोटो कहाँ से लेना है और किस जगह से फ़ोटो लेना है, पहले बैकग्राउंड लेना है, पहले क्या लेना है। तो आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद देख सकते हो ऊपर की साइड में मीडिया, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करके मीडिया पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया पे सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में आपको क्या करना है गाइस, बैकग्राउंड में आप जिस जैसा चाहे वैसा इसमें बैकग्राउंड चूज कर सकते हो गाइस अपने फ़ोटो के। अच्छा तो मैं ब्लैक ही करते हैं ज़्यादातर लोग, तो ब्लैक कर लेना गाइस। आप इसमें आप कोई सा भी आप इसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है गाइस। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर में सेलेक्ट करना है। लेयर में सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर ऊपर वाले मीडिया में जाना है गाइस। तो आपको क्या करना है, वीडियो जो लेयर वाली वीडियो होती है उसके ऊपर आपकी बैकग्राउंड के ऊपर चढ़ जाएगी। तो गाइस लेयर में जाके मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको वह इमेज सेलेक्ट करनी नहीं है गाइस जो आपको यहाँ पे स्टेटस में डालनी है। और आप यहाँ पे एक ही नहीं कई सारी यहाँ पे इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। और आप मीडिया में जाके ऐसे ही आपका ऊपर की साइड में लेयर में जाके मीडिया का आप वीडियो भी ले सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे बढ़ा सकता हूँ 15 से लेके यहाँ पे कितने भी सेकंड का कर सकता हूँ। तो गाइस आप भी इसमें 15 से लेकर कितने भी यहाँ पे 1-2 मिनट का भी बना सकते हो स्टेटस, ज़्यादातर 15 सेकंड का ही होता है स्टेटस गाइस। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा गाइस ओवरली में, तो ओवरले में जाऊँगा गाइस मैं और यहाँ पे गेट मोर पर क्लिक करूँगा। ओवरले पर जाने के बाद आपको क्या करना है, गेट मोर पर क्लिक करना है गाइस। तो दोस्तों गेट मोर पर क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राफिक्स अफेक्ट यानी कि आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो आपको अफेक्ट डालना है आपको वो मिल जाएगा गाइस। पहले तो यहाँ से आपको अपने फ़ोटो के अनुसार आप कैसा फ़ोटो बना रहे हो यहाँ पे आप यानी कि टेक्नोलॉजी टाइप का आप इसमें इंट्रो रख रहे हो तो गाइस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सेलिब्रेशन यानी बर्थडे टाइप का आप इसमें स्टेटस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे उसके स्टिकर डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। और गाइस ये स्टिकर मूवमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है एक ही जगह पे यहाँ पे रुके रहें, क्योंकि एक दूसरे यहाँ पे चलते भी हैं गाइस। तो यहाँ पे कोई सा भी स्टिकर ले सकते हो आप, यहाँ पे तमाम सारे स्टिकर हैं और अलग अलग यहाँ पे सेलिब्रेशन के यहाँ पे स्टिकर, तो आप पूरी तरह से डेकोरेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रोशनी लाइट वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो आप अपनी मनपसंद से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा।
यहाँ पे देख सकते हो रेनबो का भी स्टिकर है यहाँ पे, तो स्केच यहाँ पे कोई सा भी स्टिकर यानी स्केच आप ले सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको जो स्टिकर लेना है वो स्टिकर यहाँ पे ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपका डिसाइड करना, अपने आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी वीडियो यानी कि स्टेटस किसके ऊपर है। तो आपका स्टेटस यानी मानो किसी मतलब लव के ऊपर है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी है, या कि एक्शन के ऊपर है यानी डायलॉग के ऊपर है। तो आपको जिस तरीके का थीम लेना है, तो गाइस मैं आपको सभी बता दूंगा, इसी फोटो में बता दूंगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑटो HDR है, और यहाँ पे जूम, फोकस, पिक्सल, मतलब सब तरीके के यहाँ पे अफेक्ट हैं। तो आप कोई सा भी अफेक्ट यहाँ पे आप इस पर यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे एक अफेक्ट यहाँ पे यूज करके बता देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो इस अफेक्ट को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये है HDR यहाँ पे अफेक्ट है, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो इसे। गाइस यूज करने के बाद आपको यहाँ पे और भी अफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि आप गाइस एक ही अफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे कितने भी अफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फिर लेयर में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार चला के, और यहाँ पे आपको नहीं तो कट कर लेना है, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हो गाइस उसे उस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइस फिर आपको लेयर में जाना है, फिर ओवरले में जाना है, और यहाँ से आपको फिर अफेक्ट यानी कि फिर आपको यहाँ पे ग्राफिक्स चूज करने हैं अपने मन पसंद के। यहाँ पे कैसा ग्राफिक्स लगाना है आपको गाइस, आग लगानी तो आग लगा सकते हो यहाँ पे, यानी कि फायर करना है तो गाइस आप फायर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे ब्राइटनेस में आप कुछ भी लाइट डाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे लाइट मैंने यहाँ पे चूज कर लिए गाइस। तो जिस तरीके से आप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की, तो आप उस तरीके से यहाँ पे लाइट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे लाइट गाइस, लाइट लगाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस यहाँ पे, और फिर गाइस आपको यहाँ पे अफेक्ट में जाना है। अफेक्ट में देख लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं लगाया हो। तो फिर लेयर में जाने के बाद आपको ओवरले में ही जाना है। ओवरले में जाने के बाद आपको क्या करना है, और भी यहाँ पे आपको अफेक्ट देख लेने हैं गाइस, और यहाँ पे स्नो ब्लोअर, तो यहाँ पे देख सकते हो स्नो ब्लोअर का मैंने यहाँ पे अफेक्ट चुन लिया है गाइस। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बरसात होने लगेगी गाइस। तो आप दोनों इसमें से कोई सा भी यहाँ पे चूज कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे, अब आपको जिस जहाँ तक रखना है गाइस तो वहाँ तक आप इसे रख लीजिएगा, यानी जिस लाइन तक ले जाना है वह आप वहाँ तक रख लीजिएगा इसे। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरले में स्नो बोर्ड, आप अभी बात करते हैं लाइटिंग की, यानी कि जो आपको यहाँ पे एक ये इफेक्ट है ये वाला, तो आपको ये कैसे लगाना है। तो आपको सिलेक्ट करने के बाद आप गाइस इसे कहीं भी ला सकते हो। फिर आपको ओवरले में जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे लाइटिंग सिलेक्ट कर लेनी है गाइस। मैंने टेक्नोलॉजी टाइप का यहाँ पे जो बंदूक मारते हैं गाइस, तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया है, और इसे आप कहीं भी कितना भी यहाँ पे रख सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा जूम कर लिया है गाइस, तो आप भी इसे इतना इतने पर रख सकते हो गाइस, और फिर इसे ओपन करके चला के देख सकते हो कैसा लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे कितना भी इसे बढ़ा सकते हो आप, इसे टाइमिंग आपको जितना टाइमिंग तक चलनी रह, कहाँ तक आपको यहाँ पे रखना है गाइस वहीं तक आपको इसे कट कर देना है। तो ये रेड जो लाइन जहाँ तक जाएगी गाइस वहाँ तक ही इसको आप चला पाओगे। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो गाइस ऐसा रहता है। तो गाइस उसके बाद आपको फिर सारा काम आपका ओवरले में ही जाके होगा, क्योंकि आपको लाइटिंग वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, अफेक्ट कोई भी कुछ करना है, तो आपको ओवरले में जाने के बाद आप ऑफिस में अफेक्ट ऊपर वाले में जा सकते हो गाइस। तो गाइस अब मैं यहाँ पे स्पॉट लाइट से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। स्पॉट लाइट्स में यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँगा, और उसे मैं यहाँ पे जूम करके लगाना है। इसमें भी जूम हो जाता है, पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपको लगाना कितना है और कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको वहीं पे
थ्रेड लाइन को वहाँ से स्टार्ट करना है। तो गाइस अब मैं इसे जूम करूँगा, और गाइस आप देखते रहना है आपका कौन सा यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे लगा है, तो आप उसे ही देखते रहिएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना रख लिया है गाइस, और आप इसे और भी बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे तिरछा हो रहा है, तो आप इसे सीधा भी कर सकते हो। तो गाइस ये हो जाता है, यानी कि पिक्सआर्ट में एडिटिंग करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है गाइस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोशनी ज़्यादा दे रहा है, तो मैं इसकी रोशनी कम करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और अल्फा में जाने के बाद इसकी रोशनी थोड़ी कम कर दूँगा। तो यहाँ पे इसकी यानी लाइटिंग डिक्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक बार प्ले करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है गाइस, और उसके बाद गाइस फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आपका जो सही आपने जो इफेक्ट लगाए हैं वो सही लगे हैं या नहीं। तो एक बार बीच बीच में आपको प्ले करते रहना है और गाइस देख लेना है आपको। तो फिर गाइस आपको टेक्स्ट में जाना है, अगर आप कोई फोटो वगैरह पे आपको कोई टेक्स्ट लगाना है यानी कि लिखना है गाइस, अगर आपका कैसा भी इमेज हो, तो क्या करना है गाइस आपको पहले से कहीं से भी कॉपी कर लेना है, व्हाट्सएप वगैरह से कहीं से भी या नेट से आप ले सकते हो, कोई भी मीनिंग आपको पसंद आती है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पे राइटिंग पसंद नहीं आ रही, यानी कि जो जिस तरीके से यहाँ पे फोल्ड में लिखा है तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फोल्ड सेलेक्ट कर लेना है आपको जिस तरीके की फोल्ड में आपको चाहिए। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस वाले लेटर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो सबसे नीचे आपको कहीं भी इसे चिपका देना है, यानी कि आप इसमें ऐसे भी चिपका सकते हो, और आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसमें नीचे की साइड में भी इसे चिपका सकते हो गाइस। तो यहाँ पे रोटेट करके मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लगा दूंगा पहले जैसे लगा था ये, तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। तो आप भी आपको ऐसे ही लगा लेना है गाइस, और गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको उतना ही रखना है जितना कि आप इसमें बन सके गाइस, इसी वाले डिब्बे में आपका बन सके, क्योंकि ये आपका एक व्हाट्सएप यानी कि आप जिस स्टेटस को चेक करोगे वहाँ उतना ही रखना पड़ेगा। तो गाइस आपको ऑडियो में जाना है, अब आपको यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है गाइस, आपको यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, एक गाना सेलेक्ट कर लेना है, और गाइस आपको बीच की कोई सी भी उसकी लाइन लेनी हो गाने की, तो गाइस वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गाना 3 मिनट का या 4 मिनट का कितना भी हो, अगर आपको बीच में से उठाना है कुछ तो वो तो कट हो जाएगा, आप पहले पूरा गाना ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझ पर तो KGF चैप्टर 2 की रिंगटोन है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा गाइस, तो उसे लेने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और अपने हिसाब से यहाँ पे इसे कट कर लूँगा गाइस। तो आपको भी कोई सा भी गाना यहाँ पे दे सकते हो, मुझे यहाँ से रिंगटोन पसंद आई तो यहाँ से मैं काट दूँगा स्प्लिट एट प्लेट पे करके और इसे डिलीट कर दूँगा, तो इसको मैं पीछे ले जाऊँगा तो वो वहीं से प्ले होगा जहाँ से मैंने चाहा गाइस। तो आप वहीं से चाहो जितना चाहोगे वहीं इतना ही आप इसे रख पाओगे, तो अब वहीं से आपको कट कर देना है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस यहाँ पे कट करने के बाद आपको सॉन्ग यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको ट्रिम पे करना है और राइट वाले ट्रिम टू यानी कि राइट वाले पे क्लिक कर देना है, वहाँ पे कट हो जाएगा गाइस। तो आपका यहाँ पे ये देख सकते हो, अब एक बार लास्ट में क्लियर करके देख सकते हो आप, मेरे इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई कि इसे बनाने में कोई मतलब कमी रह गई हो, तो गाइस इसे आप बना सकते दोबारा प्ले करके देख सकते हो। ऊपर की साइड में यहाँ पे देख सकते हो एरो का निशान है, राइट पर उस पर क्लिक करने के बाद आपको एंटर एंटर ये ऐसा लिख कर आ जाएगा गाइस। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल में सेव करना होगा, तो गाइस आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है गाइस, और आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में देख सकते हैं फुल HD आपको 1440 में कहाँ पर रखना है तो आप रख सकते हो वहाँ पे। तो मुझे सबसे फुल HD यहाँ पे 1440 रख लेना है, और गाइस यहाँ पे बिटरेट आपको बढ़ा लेनी जिससे आपकी इसकी क्वालिटी थोड़ी और ऊपर हो जाए गाइस, यानी कि HD रहेगा इस। तो मैं 1440 ही सबसे इसमें बड़ा है, यानी कि
रिसोल्यूशन यहाँ पे 1440 ही सबसे बड़ा है, और यहाँ पे फ्रेम रेट तो यहाँ पे 30 है ही है, तो बिट रेट आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है। बिट रेट इज बेस्ड ऑन वीडियो रिजोल्यूशन एंड क्वालिटी। तो गाइस यहाँ क्वालिटी पर क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। तो गाइस अब वीडियो आपका गैलरी में पहुँच जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा रहे हैं। गाइस वीडियो पे 1000 लाइक।